शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। डैड, लड़की ब्यूटीफुल है, इसका इलाज घर में करें। आपका मानेगा जो धंधा है ना वो बेटर है। दो रोज लड़कियाँ पटाके ला, उनके माँ बाप को मेरे पास लेकर आ, मैं उनसे जहेज का 2.5 लाख रुपए वसूल क्या करूँगा, बाद में शादी कैंसिल, उनको नकली नोट थमा देंगे और असली नोट ले लिया। अपना धंधा है, समझ गया। मैंने तेरी जान बचाई बचाई, मैंने तेरी इज्जत भी बचाई बचाई। हाँ। अरे उसके बदले में कुछ तो अदा कर, एक पप्पी देना। दिखाओ भाई कोई अच्छी सी महंगी सी घड़ी। ये देखिए। क्या ये घड़ी? ये घड़ी है, मुझे टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिए, खाना खाने को प्लेट नहीं चाहिए। अरे हाथ की घड़ी देखा, पूरी कश्ती उठा ला है। ये देखिए क्या कीमत है इसकी। 50,000 सिर्फ। तुम घड़ी बेच रहे हो फ्लैट बेच रहे हो, मुझे टाइम देखना, रहना थोड़ी उसके अंदर। ठीक है, दे दो भाई, दे दो भाई। ये घड़ी के पैसे वसूल करने की वजह से और काटना पड़ेगा मालूम है। क्या बात कर रहे, इसी बेच के कार लेते हैं, जिसमें लगता है जैसे शिकार पे जा रहे हैं। चलना यार। अरे कौन है भाई? तेरे को देख, मैंने को मैंने तो मारा था, ये फोकट लगाई बजा रही, बेचारी बेहोशी की आलम में बड़बड़ा रही है। उठा के अस्पताल लेके चलो, नीतू को मार मार के हमको अस्पताल पहुंचा देंगे। डैड, लड़की ब्यूटीफुल है, इसका इलाज घर में करें। आपका मानेगा लाइक उठा 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 अच्छा रहो, कोई हाथ नहीं लगाएगा, खाना जल्दी उठा दो। नगीना है नगीना बापू, मैं तो कहता हूँ इसे अपनी बहू बना लो, इसका चेहरा तो बिजली की तरह चमक रहा है, घर में लटका दो बिजली का बिल नहीं आएगा। अबे ओ, पहले मेरी सुन। हाँ। अपना जो धंधा है ना। हाँ। वो बेटर है, समझ रहा। दो रोज लड़कियाँ पटाके ला। हाँ। उनके माँ बाप को मेरे पास लेकर आ। हाँ। मैं उनसे जहेज का 2.5 लाख रुपए वसूल क्या करूँगा। हाँ। बाद में शादी कैंसिल, उनको नकली नोट थमा देंगे और असली नोट ले लिया। अपना धंधा है, समझ गया। आगे अस्पताल आ, गाड़ी रोक। कौन सा? वो अरे अरे ये तो उड़ गई, ये तो आवाज कर रही है। इसको अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है, ये तो लगता होश में आ गई। अरे नहीं नहीं, इसको घर ले चलते हैं। बकवास किया तूने? क्या दिखती है करण भाई, चिकन टंगड़ी चिकन कबाब भाई। अरे क्या हुआ, ये तेरा पांव टेढ़ा कैसे हो गया? आपने जोर से गाड़ी चला दी। तेरा पांव टूट गया रे, बड़ा दुख। जा कर जा, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा चाहिए, बहुत सियानी है। ये ले जा, ऐश कर जा। एक रुपए से थोड़ी होता है। तो कितना चाहिए? 5 रुपया? 500 डैड, 500 रुपया। जा जा, यहाँ खुद 3 दिन से खाना नहीं खाया, तेरे को 500 रुपए कहाँ से देंगे? क्या करती है? क्या पैसे नहीं देंगे तो पब्लिक से लड़ाई करवाएगी, ब्लैकमेल करती है। कहाँ से मिल गई सुबह सुबह यार? कोकोनट ऑयल क्या गलत है, आंखों जा रही है यार। ये पैसे भी ले ले, मेरी तरफ से तोहफा। भाई ये बैग तो छोड़ के जा, पढ़ती लिखती है। हाय सुन, तू हमारी बात सुन तो नहीं रही थी ना? तू गूंगी है, भैरी है? अरे रे रे, जा जा, ये बहुत सारी है। डैड, ये लड़की ना तो गूंगी है ना भैरी। क्या बात करता, बेचारी कितनी गरीब सीधी सादी लड़की थी। हाँ, गरीब और सीधी सादी तो ठीक है, लेकिन गूंगी और भैरी नहीं। क्यों? अगर ये लड़की गूंगी और भैरी होती तो आपके सवालों पर हाँ और ना कैसे कहती, इसका मतलब कि गूंगी भैरी नहीं है। ये दलाल जूते वाले को जाने लीजिए ना डैड, अपनी 2.5 लाख की पार्टी वेट कर रही है ना। कितने बजे आने वाली है? 2:30 बजे। घड़ी भी गई डैड। बकरा नहीं बकरे, और वो भी दो दो साले महा फांदेबाज। लाख फांदेबाज मरे होंगे तो वो दोनों पैदा हुए होंगे। अरे तेल लेने गए, पहले तो खाना खा ले। मैं खाना लगाती हूँ। खाना बाद में, पहले ये बताओ मेरा बाप जैसा बाप कहाँ है? अरे क्या बताऊँ, मेरा बाप पहले तो शराबी था ही, पर जब से पैसा आ गया है एकदम आउटलाइन हो गया है। आउटलाइन तो पहले से ही था। था तो सही, पर पहले तो सिर्फ शराब पीता था, पर आजकल तो कोठे पे जाने लगा है गाना सुनने के लिए। अभी भी वही गया होगा चमेली बाई के पास, जाने
मैंने राड़ कब भरेगी चमेली भाई। तू तू यहाँ कैसे आ गई? यहाँ कैसे आई? खुद पे शर्म करो। मुँह में नकली दांत और सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता पाँव से। क्या क्या सुनाई तो देता नहीं है और यहाँ के गाना सुन रही हूँ। यहाँ क्यों आई? काम कहाँ करने पड़ी है? अरे चल यहाँ से। अरे चम्मच सुनो, बेशरम बेहया, ये तेरे बाप जैसा है और तू बाप के सामने कूदने मटका रही है। बाप हो या दादा, ये मेरा धंधा है। जो मेरे सामने पैसा फेंकते हैं मैं उनके सामने डांस करती हूँ। तू कौन होती है बोलने वाली? मैं मारना भी नहीं आता। हराम जादी, मेरे माँ बाप को गाली। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अरे बेटी, तूने क्या कर डाला? कल इसे पार्टी में नाचना है। हम एडवांस भी ले चुके हैं, अब कैसे नाचेगी? सॉरी माँ जी, आई एम सॉरी। अगर कल तक 5,000 रुपए नहीं मिले तो मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? क्यों माँ जी, पार्टी में इसका नाचना जरूरी है, और कोई नहीं जा सकता। और कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। क्या? हाँ माँ जी, आपके इलाज के लिए मैं नाचूंगी। कितना बंडल हंस रहे हैं लोग, बड़े भयानक लोग। कौन है लोग? अरे ये बहुत बड़े स्मगलर्स हैं, हिंदुस्तान के नामचीन स्मगलर्स हैं, जानते हो? आज की पार्टी में हमें नहीं बुलाया। अरे ये पार्टी हम जैसे अमीरों की है, तुम जैसे फुटपाथियों की नहीं। वो नाचने वाली माशूका हमारी है, आज की रात वो हमारे साथ बिताएगी। ये तो तुम्हें कल सुबह मालूम पड़ेगा है। अच्छा मेरी अंगूठी है। ड्राइवर, ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? है, चल नीचे उतर, चल। अरे हो टोनी डिकोस्टा, इस लड़की को हासिल करने की हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे और तू इसे कहाँ ले जा रहा है? इस लड़की को अपुन ने उठाया है और अपुन का नाम टोनी डिकोस्टा है। ये देखो। फिर भी हम इसकी कीमत देने को तैयार हैं। मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। अरे जाती कहा, इधर आ। लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छे हैं आप। अपुन का नाम टोनी डिकोस्टा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं इसी को गोली मार दूंगा, समझे? हट जा। Thank you.
चिकने। अब मेरे को क्या देखती है, पोकट की मिल गई इसलिए ज्यादा बिगड़ गया। चल तेरे को तेरे घर छोड़ देता हूँ। तुम कौन होते हो मेरे साथ चलने वाले, न जान न पहचान। अच्छा न जान न पहचान, एक तो तूने मेरे बाप की घड़ी चुराई, ऊपर से मैंने तेरी जान भी बचाई। देखो अगर घड़ी और पैसे की बात थी तो मैं पुलिस में जाकर तेरा छोड़ दूंगी। हाँ। अच्छा चल तू चिकनी दिखती है इसलिए तेरे को छोड़ दिया, लेकिन देख मैंने तेरी जान बचाई बचाई, मैंने तेरी इज्जत भी बचाई बचाई। हाँ। अरे उसके बदले में कुछ तो अदा कर। तुमको हीरो बनने का शौक है इसलिए उन गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया। देखो तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगी, इसमें से थोड़ा सा उस डांसर की माँ को दूंगी। अच्छा चल रुपया भी अदा मत कर, एक पप्पी देना। पप्पी पप्पी ठीक है, इधर थोड़ी आगे। अच्छा तो बेवड़ा पीकर भी होश में, इसी को कहते हैं कि येड़ा बनकर पेड़ा खाना। ऐसे मौके के लिए हमेशा लाल मिर्ची पाउडर अपने साथ रखती हूँ, और हर जवान लड़की को लाल मिर्ची पाउडर रखना जरूरी है। क्यों खाना पकाना है क्या? चुप, खाना पकाने के लिए नहीं, इज्जत पकाने थी, इज्जत बचाने के लिए। याद रखना तूने मेरी आंखों में मिर्ची की फुक्की डाली है, मैं तेरी आंखों में गरम मसाला डाल दूंगा। सर आज एक आदमी ने नथुराल को जान से मार डालने की कोशिश की और हमारे पहुंचने से पहले वो भाग गया। उस आदमी का नाम अकबर खान बताया जाता है सर। हाँ? अकबर खान आप उसे जानते हैं सर? उसे क्या, मैं तो उसके बाप को भी जानता हूँ। अकबर खान अभी तक अपने बाप की मौत को भुला नहीं पाया, कई सालों बाद इस शहर में आया है वो। हमने चारों तरफ पुलिस का जाल बिछा दिया है, रात तक तो जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं इंस्पेक्टर, पुलिस का जाल हटा दो और उसे आजादी से घूमने दो, ये मेरा आजादी है। अपने बाप की मौत का बदला जो सिर्फ हम ले सकता है, और ये बदले की आंख इतनी खतरनाक है रीता, इसमें हम तो जली जाएगा उसके साथ तुम भी राख हो जाओगे। आग कैसे भी हो मैं तुम्हारे साथ राख होने को तैयार हूं। नहीं रीता, हम तो एक जिंदा लाश है, हमको अपनाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि जिंदा इंसान मुर्दों से रिश्ता नहीं जोड़ते। तुम मुझे भले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दो लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी के करीब समझूंगी, और ये हक तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकते। एक मामले में तो हम और तुम बराबर हैं, तुम भी अपनी जिद में पक्की हो, हम भी अपनी धुन में पक्का है। अलविदा। भी मारता है लात भी मारता है, कौन है तू? पहचाना मुझे? आपको कौन नहीं पहचानता, अपने बाप के उस दोस्त को कैसे भूल सकता हूं जिसकी वजह से मेरे बाप की जिंदगी खत्म हो गई। ना तुम मुझे भूले हो ना मैं तुम्हें भूला हूं, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें गुमराह होने से बचाऊंगा। तुम्हारे हम अपने बाप की मौत का बदला लेगा, जरूर लेगा, ना हमको तुम रोक सकता है ना तुम्हारा कानून, क्योंकि तुम्हारी भलाई के लिए यही बेहतर है कि तुम कानून की चार दीवारी में कैद रहो ताकि तुमसे कोई जुर्म ना हो सके। यू आर अंडर अरेस्ट। कोशिश करके देख लो कमिश्नर, हम अपने जुर्म का पक्का है, हमको मौत के सिवा कोई नहीं रोक। हाँ 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 कमिश्नर साहब आपके हाथ से पिस्तौल है, वरना
मैं हवा में उड़ जाता। ये लो। मेरे बाप के बदले के बीच में जो भी आया मैं उसे जान से भी मार सकता। लेकिन चाबी तो मेरे पास ही है ना इंस्पेक्टर। यस सर। साल दो साल के बाद तो बाहर आ ही जाऊंगा कमिश्नर साहब। तब तक तुम्हारे सर से बदले का भूत उतर चुका होगा। बाय बाय। ले जाओ। चल रहे हैं पोलिस के टेम कसल पोटी करते हैं। फ्लाइंग रानी मैं अभी आया। और रोशनी की तलाश में हूँ लेकिन क्या तुमको भी दिखाई नहीं देता मासी? लेकिन तुम अंधे कब से हुए? कल से। कल से? वो कैसे? क्या बताऊँ बेटी? कल मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। मैंने उसकी जान बचाई, उसकी इज्जत भी बचाई, लेकिन उसने मेरी आंखों में मिर्ची की भूखी की कालीन बिछाई। कोई लड़की तो नहीं? शुक्रिया अदा करने के बजाय वो मेरी आंखें फोड़ गई। मैं भागा भागा डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तुम्हारी आंखों के लाइट के बल्ब का फ्यूज उड़ चुका है। Oh, sir. क्या देखिए? Oh my God, I'm very sorry. It's all right. फिर क्या हुआ? फिर क्या? अब मैं किसी खूबसूरत लेडी डॉक्टर की तलाश में हूँ। अगर आपकी नजर में कोई हो तो खाला। खाला? मौसी। मौसी? नीचे नहीं, ऊपर। अरे मेरे ऊपर नहीं, पीछे। जल्दी जल्दी। आपको फोन नहीं मिला? नहीं तो क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं? वो मेरी इज्जत लूटने के चक्कर में पड़ा है। भारतीय नारी की इज्जत पर हमला हुई। मैं अपने अंधे पति को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। अंधा पति? क्या आपका पति भी अंधा है देवी? अंधे के बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। एक अंधे पति के बीवी पर बलात्कार? नहीं, आप में नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। चलिए। नहीं, आप पहले उनको पकड़िए, मैं पुलिस स्टेशन पहुँच कर आपका इंतजार करती हूँ। हाँ, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ। आप आगे चलिए, मैं पीछे जाता हूँ। क्या करता है? चोरी करता है, इज्जत लूटता है, बलात्कार करता है, क्या क्या करता है? अरे वो लड़की अपन की मोटरसाइकिल लेके बात बातचीत बंद, बाकी सब अदालत में। बैठो अंदर, पुलिस स्टेशन चलो। कितनी दूर है? 20 मील। 20 मील? अंदर पीछे करो। अरे अरे इधर। तुम बड़ी बदमाश हो बेटी। कभी माँ बोलता है, कभी चाची बोलता है, कभी बेटी बोलता है। अरे मैं माँ चाची बेटी नहीं। अच्छा तो क्या तुम जवान हो? अरे सीधे बैठो। खूबसूरत हो, ज्यादा हाथ चलाके मत करो। कहीं तुम वही मिर्ची की भुक्की वाली तो नहीं? तुम्हारी आंखों में मसाला डाल दूंगा। क्या सही जगह पे गिरा अरे तुम तो एकदम फुलन देवी लग रही हो। तुम देख सकते हो? नहीं, मैं अंधा हो गया हूँ। मैं बिल्कुल ही बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। तुम्हारे प्यार में मुझे पति बना ले रे।